हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक इट रिपीट। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल चटनी। यह है प्याज की चटनी, जिससे आपके खाने का टेस्ट डबल हो जाएगा और बनाना बहुत ही आसान है। अक्सर रेस्टोरेंट में हमें ये खाने के साथ में सर्व की जाती है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो ये प्याज की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिए हैं 6 प्याज, मीडियम साइज की प्याज हैं ये, छील कर अच्छे से धो लिया है और उनको इस तरह से लंबाई में कट कर लिया। तो जो हम प्याज को काट रहे हैं, बहुत बारीक नहीं काट रहे हैं और हम इसे लंबाई में कट कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सभी प्याज के पीसेस को कट कर लिया है। तो हम सबसे पहले इस प्याज को ही भूनेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन गरम किया है। तो अब इस पैन में मैं डालूंगी यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल में इस चटनी को बनाते हैं तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है और ये चटनी खराब भी नहीं होती है। ऑयल को हम अच्छे से पका लेंगे। आप देख रहे होंगे कि ऑयल का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने प्याज जो हमने काटे थे। तो यहाँ पर मैंने 6 प्याज लिए थे और ये चटनी इतनी अच्छी है कि आप इसे 10 से 15 दिन स्टोर कर सकते हैं कि आप एयरटाइट डब्बे में रखें और उसे फिर आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रखकर। तो प्याज को हम मीडियम से लो फ्लेम पर भून लेंगे और हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है प्याज को। हमें इसे बहुत ही हल्का सा भूनना है, ज़्यादा गोल्डन कलर या ब्राउन कलर में नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारा प्याज जल गया, उसमें बिल्कुल भी जलने की स्मेल आ गई, तो हमारी जो चटनी है वो कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख रहे होंगे प्याज का बहुत ही हल्का सा कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गई है, लेकिन अभी हमें इसे 3 से 4 मिनट और भूनना है। तो देखिए, मैं लगातार चला रही हूँ, आप देख रहे होंगे अब कलर थोड़ा सा और चेंज हुआ है। तो हमें इसे और हल्का सा 1-2 मिनट और इसे भूनेंगे। इससे क्या है, हमारी जो चटनी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। कच्ची प्याज की भी चटनी नहीं बनानी है हमें और इस प्याज के जले हुए प्याज की भी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर अच्छे से गोल्डन कलर में आ गई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर देख रहे होंगे आप प्याज का। इतना ही हमें प्याज को भूनना है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे इसके बाद प्याज को, और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे मिक्सर जार में डालकर। तो हम इसे ठंडा करने के बाद पीसेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक और पैन गैस पर रख देते हैं और उसमें हम कुछ मसाले भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और पैन रख दिया है और इसमें हम अपने मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, उसमें हम बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी धनिया। तो मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है 1 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच ही लेंगे सौंफ, और साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और ये तीनों चीजें हम अच्छे से भून लेंगे। और ये मसाले हमें लो फ्लेम पर भूनने हैं, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमें मसालों को हल्का सा गोल्डन कलर देना है और खुशबू के आने तक इन्हें भूनना है। इसका जो अरोमा है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ड्राई रोस्ट करते हैं हम मसालों को और उन मसालों का पाउडर हम अपनी किसी सब्जी में या चटनी में ऐड करते हैं, तो उससे जो हमारी जो चटनी है, सब्जी है, जो भी हमारी रेसिपी होती है, उसका टेस्ट डबल हो जाता है और बहुत ही अच्छा अरोमा इनका रहता है। तो मैंने यहाँ पर अब कुछ लाल मिर्ची डाली है, साबुत लाल मिर्ची, और इनके जो सीड्स हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि अगर सीड्स नहीं निकालूंगी तो बहुत ही स्पाइसी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सीड्स निकाल लिए हैं। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो सीड्स ना निकालें। और अब मैंने इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लिया है सभी मसालों को, थोड़ा गोल्डन कलर में। और अब मैंने इसमें डाला है हींग, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हींग डाला है, और लास्ट में 1 मिनट तक हम इसे भी भून लेंगे। हींग डाइजेशन का काम करता है इसमें, इससे हमारी चटनी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। तो अब हमारे जो मसाले हैं वो भी भुन गए हैं, तो मसाले भी अब हम ठंडे कर लेंगे। इन्हें भी हम एक साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और जो हमारी प्याज है वो भी ठंडी हो गई होगी। और मसाले अब हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो अब इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर हम इन्हें कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया है, यहाँ पर इनका पाउडर बन गया है, देखिए इस तरह से। तो अब मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लूँगी
और इसी जार में अब हम जो प्याज हमने भुनी थी उसको भी पीस लेंगे। तो हमारी दोनों चीज़ें पिस जाएंगी और प्याज में हमें पीसते हुए पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हमें इसे बिना पानी के ही पीसना है। तो हमने प्याज को भी पीस लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम एक पैन और रखते हैं गैस पर, जिसमें हमने प्याज भुनी थी हमने उसी पैन को वापस से गैस पर रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल, और जो हम ऑयल डाल रहे हैं इसको हम हल्का सा गरम कर लेंगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें राई और सरसों, दोनों को मैंने आधा आधा चम्मच मिक्स किया है और 1 चम्मच हो गए हैं। अब डाली है 1 चम्मच उड़द की दाल, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में, और साथ ही आधा चम्मच ली है कलौंजी जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, और साथ ही आधा चम्मच जीरा, और ये सभी चीज़ें हम भून लेंगे इसमें, और 8 से 10 करी पत्ते। करी पत्ता ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये लो फ्लेम पर हम अपने सभी मसाले भून लेंगे। तो आप इसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, जिस समय हमने मसाला डाला है उस समय आप गार्लिक पेस्ट भी इसमें मिक्स कर सकते हैं अगर आप गार्लिक खाते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था उसको डाल रही हूँ मसाले भूनने के बाद, और लो फ्लेम पर 1 मिनट तक इस प्याज के पेस्ट को भी भून लूँगी। जब ये प्याज का पेस्ट हल्का सा सभी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी, तब हम वो मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट किया था और उसे पीस लिया था उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले को भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये मसालों के साथ हम प्याज को भून लेंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, और बिना सब्जी के भी आप इससे खाना खा सकते हैं, दाल सब्जी के साथ इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो अब मैं इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, मैंने 1.5 बड़े चम्मच लिए हैं अमचूर पाउडर के। आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं अमचूर पाउडर की जगह पर। तो मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर का यूज़ किया है, आप अमचूर पाउडर यूज़ करें या फिर इमली का पल्प, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा लेकिन इससे फ्लेवर आएगा केवल, बहुत ही स्पाइसी नहीं होता है ये। तो अब हमने सभी मसाले भून लिए हैं, और जब ये सभी मसाले इस प्याज के मिक्सचर में मिक्स हो गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से, तब हम इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे। तो जो हमने प्याज भुनी थी उसी ग्राइंडर जार में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और हम इस मसाले में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी चटनी अदरवाइज तो बहुत ड्राई हो जाएगी और जल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप पानी इसमें मिक्स किया है, और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। इस समय पर मैंने इसमें डाला है नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें नमक मिक्स किया है। अगर आप चटनी को खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1/2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं या फिर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा खट्टी ही चटनी बनाई है, और खटाई या इमली का पल्प भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं लगातार इसको चला रही हूँ, और मीडियम से लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है जबकि ये भुन ना जाए और घी ना छोड़। तो अब काफी कलर हमारी चटनी का चेंज हो गया है, घी भी काफी हद तक छोड़ दिया है चटनी ने, लेकिन हम इसे और भी अच्छे से भून लेंगे क्योंकि हमें इसे 10 से 15 दिन स्टोर करना है। और अगर हमारी चटनी अच्छे से भुनी हुई होगी तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, और 10-15 दिन हम इसे आराम से खा सकते हैं। तो इसे पूरी चटनी को बनाने में मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगा है, और 15-20 मिनट में हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो अब काफ़ी घी छोड़ दिया है आप देख रहे होंगे पैन में, तो मैं 1 मिनट तक इसे और भूनूंगी, और उसके बाद अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। तो चारों तरफ काफ़ी घी पैन में छोड़ दिया है चटनी ने, और कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, और अब हमारी चटनी बहुत अच्छे से पक गई है। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के बाद मैंने इसे एक बाउल में डाल लिया है, आप इसे एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं, और इसे फ्रिज में 10 से 15 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताएं कि मेरी चटनी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।
है